गौशाला है, फिर भी दर दर भटक रही गौ माताएं। हम बात कर रहे हैं छतरपुर शहर की, जहां पर कई बड़ी बड़ी गौशालाएं मौजूद है, फिर भी शहर भर में गाय इस भीषण ठंडी में ठिठुर रही है और जगह जगह घूरे पर पॉलीथीन खाकर बीमार हो रहे हैं। प्रशासन के कारण में आंख मूंदे बैठे हुए हैं। ज्यादातर गौशालाओं के संचालक प्रशासन से लाखों रुपए गौशाला के नाम पर वसूल रहे हैं, लेकिन गौ माता के ऊपर एक रुपए भी खर्च नहीं कर रहे। छतरपुर जिले से बॉबी राय की खास रिपोर्ट। लखनलाल कुशवाहा, कहाँ पे कैसे यहाँ आग लगाई गई है गौ माता के लिए, जो जितने बाजार के लोग हैं इन लोगों के सहयोग से आग जलाई गई है कि गौ को ठंडी ना लगे। ये काम तो है नगर पालिका का, लेकिन क्या करें, बुधवार के दिन बाजार लगता है तो लोगों की सहयोग से आग जलती है। बाकी आग तो जलाना चाहिए नगर पालिका को, जिसमें गाय को ठंडी ना लगे, लोग भी तापें। ये नगर कुछ दिन पहले मौत हो गई थी गायों की। जी 100 गायों की मौत हुई थी। ये सारी नगर पालिका की कमी है, नगर पालिकाओं के लोगों को ध्यान देना चाहिए। इससे पहले कभी यहाँ पे अलाव जलाना? इससे पहले कभी अलाव नहीं जला। बुधवार के दिन भर जलता है अलाव, जो बच जाता है फल फूल वालों का, एक कागज नकली, तो इससे अलाव जलाया जाता है। लगभग यहाँ कितनी तादाद में गौ वंश रहता है? कम से कम 400-500 गाँव गायों से ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, सब नगर पालिका की लापरवाही है। नगर पालिका को नकड़ी डलवाना चाहिए गऊ को, गायों के लिए नकड़ी डलवाना चाहिए। आग जलाएं तो कम से कम गाय भी सके, इंसान भी ताप सकता है। ये सारी कमी नगर पालिका की है। बहुत कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा, इंसान को तो चैन नहीं है। जानवर बेचारे क्या करेंगे, बिना मौके जानवर है। जब आप लोगों ने आग जलाई, जब जाके सभी गाय इकट्ठी, जहाँ जब हम लोगों ने आग जलाई तब सारी गाय यहाँ इकट्ठी हो गए, बेचारी सक रही है। जब पूरी गाय बेचारी ठंडियों में मर रही हैं, ये सारी कमी नगर पालिका की। जिनने भी आग जलाई हो उनका हार्दिक शुभकामना है।